हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स चैप्टर थर्टीन इज गोइंग ऑन इन हिस्ट्री आई हैव एक्सप्लेन मैनी टॉपिक्स इन दिस चैप्टर टुडे आई विल डिस्कस सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर सो लेट्स मूव ऑन सिविल डिसओविडियंस मूवमेंट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इसमें जानकारी मिलेगी और इससे पहले भी मैं कई टॉपिक्स बता चुकी हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड वो मेरी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पर और ये आपका नेक्स्ट पार्ट है तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सो इसमें एक है सिविल डिसोविडियंस मूवमेंट सब ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता था इसमें क्या था और किस लिए चलाया गया ये इसके बारे में आइए पढ़ते हैं तो इसके थोड़े नोट्स के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि तो काफ़ी लेंथी करके दिया हुआ है आपकी बुक में और ये शॉर्ट में आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी मिशन इन फ्रंट ऑफ गांधी जी वॉज टू लॉन्च सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट ही वॉज लुकिंग फॉर अ सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द होल सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट कुड बी बिल्ट तो गांधी जी के सामने अब एक ऐसी चुनौती थी कि वो चाहते थे जिसमें एक ऐसा मूवमेंट चला जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो सकें तो वो एक ऐसे आइडिया की तलाश में थे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भागीदारी कर सकें ऐसा उनको एक आइडिया मिला सॉल्ट टैक्स से सॉल्ट टैक्स जो उस समय लगाया जाता था नमक पर कर लगाया जाता था उसके बारे में उनको ये एक टॉपिक मिला सॉल्ट टैक्स विल वाज पासड इन एटीन 1882 टू एटीन टू में ये सॉल्ट टैक्स बिल बनाया गया था गांधी मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा तो गांधी जी ने सोचा गांधी जी थॉट दैट देयर कैन नॉट बी एनी टैक्स एज इन ह्यूमन एज सॉल्ट टैक्स उन्होंने कहा इतना अमानवीय और कुछ नहीं हो सकता जितना कि नमक पर कर लगाना जैसे हवा पानी इन सब की ज़रूरत है इंसान को इसी तरह से नमक की भी जरूरत है चाहे वो ऊँचे तबके के, के लोग हों उच्च वर्ग के लोग हों या निम्न वर्ग के लोग हों सभी के लिए नमक जरूरी था बिना नमक के वो खाना कैसे खा सकते हैं तो इसलिए उन्होंने कहा चाहे वो दलित हों या उच्च वर्ग के लोग हों नमक की जरूरत सभी को है और अगर हम इसके विरुद्ध कोई आंदोलन छेड़ते हैं तो उसमें सभी वर्ग के लोग इन्वॉल्व होंगे फिर क्या हुआ उन्होंने ऑन ट्वेल्व मार्च नाइनटीन थर्टी गांधी जी विद सेवेंटी एट ऑफ हिज फॉलोअर्स लेफ्ट द साबरमती एट अहमदाबाद एंड ट्रेवल्ड टूवर्ड्स डांडी अ विलेज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ़ इंडिया उन्होंने 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम छोड़ दिया अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया डांडी एक कोस्टल विलेज था इंडिया का वहाँ के लिए ट्रैवल करना पैदल यात्रा करना शुरू किया सेवेंटी एट फॉलोअर्स उनके साथ थे नाइनटीन थर्टी में बारह मार्च वेडनर्सडे का दिन था तो फिर क्या हुआ आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर ट्वेंटी फाइव डेज एंड कवरिंग डिस्टेंस ऑफ थ्री हंड्रेड एंड एट एटी फाइव किलोमीटर द ग्रुप रीज डांडी ऑन अप्रैल नाइनटीन थर्टी और उसके बाद ट्वेंटी फाइव डेज़ तक ट्रैवल करने के बाद उन्होंने तीन सौ पचासी किलोमीटर की एक लंबी दूरी तय की जो कि डांडी पहुंच गए उसके बाद वो अप्रैल नाइनटीन थर्टी में ठीक है तो ये जो दूरी थी ये उन्होंने पैदल तय की थी और इसी को डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है डांडी मार्च कम्प्लीटेड इन ट्वेंटी फोर डेज कितने दिनों में कम्प्लीट हुई थी ये ट्वेंटी फोर डेज में एंड डांडी मार्च इज़ ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ वाइट फ्लोइंग रिवर इसे वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज जो सभी फॉलोअर्स थे उनके और गांधी जी स्वयं वाइट कलर के खादी क्लॉथ्स में थे और जब वो जा रहे थे ट्रैवल कर रहे थे पैदल तो ऐसा लग रहा था मानो एक वाइट कलर की नदी बह रही हो क्योंकि सभी वाइट क्लॉथ पहने हुए थे और जब दूर से देखने पर ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे एक वाइट कलर की सफ़ेद नदी बह रही हो इसलिए उसको वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है गांधी जी टेक अ वो डेट आई विल नॉट रिटर्न टू सावरमती आश्रम अंटिल इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस गांधी जी ने वहाँ शपथ ली कि मैं साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटूंगा जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं दिला देता तो ये हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के बारे में इसके अलावा भी कई वो मूवमेंट्स चलाए गए तो इसमें द क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट के वाले बारे में मैं आपको शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आप ध्यान से सुनिए क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में इंडिया आया क्रिप्स मिशन क्या था और इसका आने के रीज़न क्या था क्रिप्स मिशन को ये कहा गया था ऐसा माना जाता है कि क्रिप्स मिशन के भारत आने का कारण था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुझाव देने आए थे लेकिन ऐसा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशनल सुझाव नहीं देने आए थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार के अगेंस्ट जापान जो था वो ज्वाइंट हो गया था uh, मतलब वो ये चाहता था इन 1942 जापान ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वार्स सेकेंड वर्ल्ड वार को ज्वाइन किया जापान ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ मतलब ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ हो गया था जापान तो उन्होंने इनके जो मिशन था वो क्या था कि इनके रीज़न क्या थे इंडिया का सपोर्ट पाना सबसे बड़े रीज़न था इनका कि वो इंडिया की सपोर्ट पाना चाहता था और दूसरा क्या था जो यूएस या चाइना वगैरह जो कंट्रीज़ थी वो प्रेशराइज़ कर रही थी जापान को कि उस इंडिया से मिलो जाकर और उनका सपोर्ट हासिल करो ठीक है तो वो चाहता था कि इंडिया का सपोर्ट हमें मिले क्योंकि वो खुद ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हो चुके थे और उनका शर्त क्या थी कि इंडिया विल भी यूनियन इंडिया को हम यूनियन बना देंगे लेकिन डोमिनियन स्टेटस जो था वो हमारे हाथ में रहेगा पावर जो है वो हमारे हाथ में रहेगी लेकिन और क्या था डिफेंस इंडिया की डिफेंस जो है वो भी ब्रिटिशर्स के अधीन रहेगी उनके कुछ अपने वो भी थे कि ये होना चाहिए ऐसा तभी हम रीज़न भी थे आने के और कुछ उनकी शर्तें भी थीं तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया तो क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या था ये भी 1942 में चलाया गया लेकिन इसका रीज़न क्या था सबसे पहला रीज़न इसका यही था कि क्रिप्स मिशन जो था वो अनसक्सेसफुल रहा था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद उन्होंने एक क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया और दूसरा रीज़न क्या था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी इंडिया में तो हाई प्राइजेज इन इंडिया और तीसरा रीज़न ये था कि जापान जैसे देश पहले तो ये होता था ये समझा जाता था, था कि ब्रिटिशर्स तो बहुत पावरफुल हैं उनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता या उन्हें कोई हरा नहीं सकता लेकिन जापान जैसे देश जब उनके विरुद्ध खड़े हो गए तो उनको लगा तो इंडियंस को भी ये लगने लगा कि हम भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा सकते हैं तो ये भी था इसका एक रीज़न तो 1942 में क्या हुआ बॉम्बे में मीटिंग हुई उसमें ये रिजोल्यूशन लिया गया कि ब्रिटिशर्स को विदड्रॉ करना है हटाना है बिल्कुल उनको बाइकआउट करना है ये रिजोल्यूशन लिया गया और ये एक मास मूवमेंट बन गया और इसी में गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई और उन्होंने ये शपथ ली थी कि फास्ट अनटिल डेथ तब तक हम भूखे रहेंगे जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तो ये कुछ चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पता होनी चाहिए और ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस और जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी और देखते रहिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ बाय टेक केयर